28 जुलाई 2021, आज हमारा थर्ड डे है राइडिंग का। आज पहुंचेंगे हम लोग राजकोट से सोमनाथ, और सोमनाथ के बाद जाएंगे नागेश्वर। देखो कहाँ पहुंचते हैं, कल भी सोचा था कि हम पहुंच जाएंगे जूनागढ़, पर राजकोट ही रुकना पड़ा क्योंकि बीच बीच में रास्ते में बारिश वगैरह होती रहती है, तो रुकना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का अब हम निकलते हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए, मिलते हैं आपको रोड पर। पेट्रोल डलवा लेते हैं, इसका पेट फुल कर देते हैं। इधर तो स्पीड है, नॉर्मल है क्या? नॉर्मल चलो जी, उधर ले लो, लेना पड़ेगा। ओके ओके ले लो। यहाँ क्या रेट है? 98। देखो जी करते हैं अब यहाँ टैंक फुल, पेट्रोल फुल, चलो जीरो, कार्ड से पेमेंट हो जाएगा ना। ओके। And I've been chillin', watchin' the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when... 9:20 हो गए, हम लोग जूनागढ़ में एंट्री कर रहे हैं। देखो दरवाजे के अंदर हम एंट्री करें, अब जूनागढ़ के सिटी का आपको व्यू दिखाते हैं। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर ये घंटाघर आपको सामने दिखाई दे रहा, बहुत बड़ा चौक है, और इससे अब आगे निकल रहे हैं हम लोग। ये जूनागढ़ का मेन चौक है, देखो क्षत्रिय खड़ा हुआ है बिल्कुल चौराहे में तलवार लेकर। हम लोग जूनागढ़ से गिर के लिए निकलेंगे, इसमें बहुत सारे एग्जिट हैं, और इससे किसी भी एग्जिट से बाहर होके गिर होते हुए हम निकलेंगे सोमनाथ के लिए। अभी गिर नहीं आया, उससे पहले देखो पेड़ों का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, रोड के दोनों तरफ बड़े बढ़िया पेड़ लग रहे हैं, और हम अब गिर के जंगलों में प्रवेश करेंगे। अच्छा लग रहा था, मैंने कहा जंगल क्यों ना शूट करा जाए, सोमनाथ से पहले गिर पड़ता है। गिर के जंगलों का व्यू देखिए, घटा हो रही है, बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। गिर के जंगल का पहला वाला जो एंट्री गेट है वो शूट नहीं कर पाए, यहाँ से गिर के जंगल स्टार्ट हो गए हैं। इसमें शेर भी मिलते हैं, और शेर को देखने के लिए यहाँ पर गाड़ियों की व्यवस्था है, जिससे आप 500-1000 रुपये देके आप सवारी का आनंद ले सकते हैं, अंदर जंगल में जाकर जानवर देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको सोमनाथ के रास्ते पर। वेरावल में एंट्री हो चुकी हम लोगों की, एंट्री करते ही एक मंदिर दिखाई दिया, ऐसा लग रहा है जैसे सोमनाथ का मंदिर, पर सोमनाथ का मंदिर नहीं है, सोमनाथ का मंदिर आगे जाकर है। अभी आपको सोमनाथ का मंदिर दिखाते हैं। वेरावल में ये पुरानी बोटें हैं, रिपेयर करी जाती है और नई भी बनाई जाती है, और गूगल ने हमको रास्ता बताया था शॉर्ट रास्ते के चक्कर में, ये समुद्र के किनारे किनारे का रास्ता है, हम लोग मेन दरवाजे से नहीं गए, जो कि देखिए आपको समुद्र का नज़ारा का व्यू भी देखने को मिलेगा। देखो कितनी बढ़िया लहरें ले रही हैं, और ये लहरें रोड के ऊपर छींटे आ रही हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम पीछे से एंट्री कर रहे हैं मंदिर के, ये सोमनाथ के मंदिर की बराबर में फेंसिंग है, अब हम आपको दिखाएंगे आगे से मंदिर का व्यू। हम लोग राजकोट से चले थे सुबह 6:30 बजे, और 12:30 बजे हम लोग सोमनाथ मंदिर में पहुँचे थे। मंदिर के सामने का पीछे का व्यू नज़र आ रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है,
और मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पर, आज पूरे दिन बहुत बढ़िया रहा। सुबह से जब गाड़ी लेके चले तब से मौसम अच्छा है, बारिश का हल्का हल्का मज़ा आता रहा और सोमनाथ मंदिर पहुँचे हैं। कैमरा अंदर अलाउ नहीं है इसलिए हम बाहर से आपको मंदिर दिखा रहे हैं और फिर हम जा रहे हैं दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद आते हैं फिर आपको भी बताते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग के हमारे दर्शन हो गए, मंदिर में से दर्शन करके आए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, आत्मा प्रसन्न हो गई, ऐसा लगा कि कुछ मिल गया हो जीवन में। और हम इसके बाद में निकलते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग के लिए जो कि गुजरात के अंदर ही है, और द्वारिका में जाके पता पड़ेगा उसकी दूरी कितनी है, आपको मिलते हैं आगे। अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग अगले ज्योतिर्लिंग के लिए। अब हम लोग अपनी बाइक लेकर निकल चुके हैं मंदिर से, मेन जगह से, और रोड पे जा रहे हैं। आगे से हम लोग जो मंदिर दिखाई दे रहा आपको सामने, वहां से हम लेफ्ट टर्न मारेंगे। ये रास्ता सोमनाथ का एग्जिट है जो वेरावल की ओर जाता है। सोमनाथ से दर्शन करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ लंच करा, और लंच करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं अगले ज्योतिर्लिंग के लिए। मिलते हैं आपको रोड पे। द्वारिका हाईवे पे NH 51 पर ये समुद्र की लोकेशन बहुत बढ़िया मिली हमारे को, तो यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है और देखिए कितने काले बादल हैं, हल्की हल्की बूंद पड़ रही है, हवा का प्रेशर इतना तेज है कि हमारी बाइक बुलेट हिल रही है, इसकी वजह से हम लोग उसको छोड़कर दूर समुद्र के पास के व्यू लेने नहीं जा रहे हैं। सावन के महीनों में लहरें बहुत उठ रही हैं समुद्र की, जिसकी वजह से समुद्र की लहरों का जो नमक है वो हर चीज़ में जम रहा है। हमारे जो GoPro है इसके लेंस के ऊपर बहुत चिपचिपाहट सी जम गई है, जिसकी वजह से पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, इस वजह से हमने आगे का और शूट भी नहीं करा। इसके बाद में हम आपको मिलते हैं द्वारिका में। रात के 9 बजे हैं, 8 बजे हम लोग आ गए थे, अभी दर्शन करके मंदिर से आए हैं और कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए बाहर से ही आपको व्यू दिखा रहे हैं। आज राजकोट से 6:30 बजे चले थे, 12:30 बजे हम पहुँचे हैं सोमनाथ, बढ़िया दर्शन हो गए और उसके बाद में 2 बजे वहाँ से हम लोग निकले, तो हम लोग द्वारिका पहुँचे 8 बजे। 8 बजे में सीधा कमरे में सामान रख दिया आके, वहीं ऐसा सामान छोड़ के चले गए, सिर्फ 2 मोबाइल लेके गए थे, जो कि 2 मोबाइल हमने वहाँ जमा कर दिए थे क्लॉक रूम में। वहाँ पर आपका मोबाइल कोई भी सामान हो फ्री सेवा है और आप जमा कर सकते हो, उसके बाद में मंदिर में अंदर दर्शन करके आ सकते हो। दर्शन करके आने के बाद में फिर हम वहाँ से आए और हमने फिर खाना वाना खा के हम रूम में आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग के साथ में। गुड नाइट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.